सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आपने गर्मियों की छुट्टियों का बहुत आनंद लिया होगा और आपने खूब मजे किए होंगे। बच्चों, आज स्कूल खुलने के बाद हमारा ये दूसरा दिन है, जो है मंगलवार, और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। आज की क्लास में बच्चों, हम फिर से स्वर के अक्षर अ से अ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको व्यंजन की पहली लाइन क ख ग घ ड को भी इंट्रोड्यूस करूंगी आपकी पुस्तक के माध्यम से। इसके बाद आज हम बड़ाई लिखना सीखेंगे और हम बुक में दी हुई एक्टिविटी भी करेंगे, जो कि मेंशन है पेज नंबर 17 और 18 पे। फिर हम आज एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है चिड़िया। तो बच्चों, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हिंदी रीडिंग से, तो जल्दी से आप अपनी ये हिंदी की बुक लेके आओ और अब आप पेज नंबर 3 ओपन करो। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। तो ये देखो आप, ये क्या है? स्वर का पहला अक्षर अ, अब आया है आ, आपको मेरे साथ बोलना है। ये है छोटी ई, इसके बाद है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री के बाद आता है ए, आई, यह है ओ, औ, अंग और अह। ऐसे ही आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना है। यह है अ से लेके अ तक स्वर। आज मैं आपको व्यंजन की पहली लाइन भी सिखाऊंगी पहचानना, ठीक है? तो देखो आप, व्यंजन की पहली लाइन यहां से शुरू होती है और इसका पहला अक्षर है क। यह है क, ध्यान से देखो आप लोग, क। क के बाद आता है ख, जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलना है साफ साफ, ख। ख के बाद है ग, ग के बाद आता है घ, और ये है अंगा। फिर से बोलते हैं क ख ग घ अंगा। तो इस तरह से आपको अ से अ को पढ़ना और पहचानना है और व्यंजन की पहली लाइन क से लेके अंगा तक को भी पहचानना है। आप अगला पेज खोलो, जो है पेज नंबर 4। देखो आप, स्वर का पहला अक्षर अ। अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से, चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ। आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम, आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर, और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई, बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईक, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों, 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना। उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन, और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है, और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं, बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है
ए, देखो आप ए से क्या होता है, ए से एक, एक मतलब वन, ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य इसमें क्या है एक ही तार है इसलिए इसको कहते हैं एक तारा, और ए से एडी, ये देखो आप ये एडी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एडी होती है, ए से एडी। ए के बाद है आई, आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं, आए से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ, ये क्या है ओ, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं उस चुन्नी ओढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं ओढ़नी, और ओ से ओट, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओट, और ओ से ओखली जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं, 12 के बाद आता है 13, और ये है औ, स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ, औ से औरत, औ से औजार, और औ से औषधि, दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे जो है नंबर 14, 1414, अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग, इसको बोलते हैं अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है, अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है, अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं, अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है अंगूठी, फिंगर में हम क्या पहनते हैं अंगूठी, तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह, अह है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली, अह तो खाली होता है तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री, री से ऋषि बाबा। बच्चों अब पेज नंबर 22 ओपन करो, ये है व्यंजन का पहला अक्षर क, और क से क्या क्या होता है देखो आप, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं क से, उसकी पिक्चर बनी हुई है तो हमें वो पहचानना है, तो क से क्या है, क से कमल, क से कलम, देखो पेन को क्या बोलते हैं कलम, क से कछुआ, क से कलश, क से कटोरी, और क से कबूतर। ठीक है, ध्यान दिया आपने, समझा आपने, इनको पहचाना क से क्या क्या चीजें होती हैं, क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, और क से कलश। बच्चों क के बाद आता है, देखो आप ध्यान से देखो, ये है ख, ख से क्या क्या होता है, ख से खटमल, ख से खटखटाना, हम दरवाजे पे खटखटाते हैं ना, ख से खटखटाना, ख से खटिया, देखो आप इस तरह की ये खटिया गांव में मिलती है, ख से खटिया जिसपे लोग सोते हैं, इसको पलंग भी बोलते हैं, ख से खटिया, ख से खरगोश, और ख से खरबूजा। बच्चों ये है ख, ख के बाद आता है हम, बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमने पेज को टर्न किया और पेज नंबर 24 आ गया, देखो आप ये है ग, ख के बाद आता है ग, अब ग से क्या क्या है, क्या क्या चीजों के नाम ग से शुरू होते हैं, तो ग से गज, गज मतलब हाथी, हाथी को गज भी बोलते हैं, ग से गन्ना जो कि होती है ईख, ईख को गन्ना भी बोलते हैं, ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर, और ग से गमला, फिर से बोलते हैं देखो ग, ग से गज, ग से गन्ना, ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर, और ग से गमला। ग के बाद आता है देखो घ, ये क्या है घ, बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे घ, अब घ से क्या क्या चीजें होती हैं, घ से जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या क्या होती हैं देखो आप, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घबराना, घ से घर, घ से घड़ी, और घ से घड़ियाल, देखो आप ये है, फिर से बोलते हैं घ, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घबराना, घ से घड़ियाल, और घ से घड़ी। अब बच्चों इस लाइन का आखिरी अक्षर है अंगा, तो अंगा है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। इस तरह से आपको क ख ग घ अंगा को पढ़ना और पहचानना है बुक की हेल्प से। बच्चों हमने रीडिंग तो कर ली, अब बारी है एक्टिविटी की, तो देखो आप पेज नंबर 17 ओपन करो,
और आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। समान अक्षरों को रेखा से जोड़िए, मतलब एक जैसे अक्षर जो हैं आपको जो मिल रहे हैं उनको आपको इस लाइन बना के इनको जोड़ना है, एक दूसरे से मिलाना है। देखो आप, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ को आ से ऐसे जोड़ दिया गया है। अब देखो आप नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ कहाँ पे है, छोटा ऊ ये रहा। तो हमको एक लाइन बनानी है ऐसे और उसको इससे जोड़ देना है इस तरह से। अब आप देखो ये क्या है, बड़ी ई। अब ढूंढो आप बड़ी ई कहाँ है, ये रही। तो अब हम एक लाइन बनाएंगे और उसको इससे जोड़ देंगे ऐसे, ये है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से जोड़ना है ऐसे। अब देखो आप ये है छोटी ई सेकेंड लाइन में, अब यहाँ पे है छोटी ई, तो हम इसको इससे ऐसे जोड़ देंगे। अब क्या बचा, अ। तो अ को अ से जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, हमने पेज नंबर 17 तो कर लिया, अब हम पेज को टर्न करेंगे और हम आ गए पेज नंबर 18 पे। ये सेम एक्सरसाइज है इस पेज पे भी, तो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो आप ए को ए से जोड़ा हुआ है पहले, अब क्या है ये अह, अह खाली, तो अह को अह से जोड़ दो। ये क्या है ओ, ओ से ओखली, तो इससे आपको रिविजन भी हो जाएगा, है ना, आप रिवाइज भी कर लोगे सारे स्वर को। अब ओ कहाँ है ढूंढो, ये रहा ओ, इसको ऐसे जोड़ दो। ये है री, तो देखो री को हम कैसे जोड़ेंगे ऐसे। ये है औ, औ और औ तो दोनों सामने हैं, तो इसको इससे जोड़ दो। अब ये है अंग, अंग खाल, अंग से है अंगूर, तो अंग को अंग से जोड़ दो। आय, आय से आयनक। इस तरह से हमने ये पेज भी फिनिश कर लिया। तो आपको भी ये पेज ऐसे फिनिश करना है इस एक्टिविटी को, और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों समर ब्रेक के बाद ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है और इसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बड़ी ई। अब तक हमने छोटी ई लिखना सीख लिया है ना, तो आज हम क्या लिखना सीखेंगे, बड़ी ई। बड़ी से क्या होता है, ईख। ये क्या है, ईख, जिसके रस से चीनी बनती है, जिसके जूस से, समझ में आया आपको। तो ये है ईख। ये है आज की डेट, आज है 6 जुलाई 2021। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो आपको बड़ी ई कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना के इस सी टाइम पे आपको एक सेमी सर्कल या सी बनाना है, फिर एक उल्टा सी बनाना है ऐसे, और फिर इसको अंदर से इसकी पूंछ निकाल के ऐसे बनाना है। ये बन गया छोटा ई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये जो वन हमने बनाया है, यहां से ही हमको एक ऐसे एक हुक जैसा बनाना है और फिर छत लगा देनी है, समझ में आया। ये बन गया बड़ा ई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटा ई लिखना है। तो एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, सी बनाया, उल्टा सी बनाया, और इसकी पूंछ निकाल के हमने क्या बनाया, छोटा ई। अब ये जो है देखो, अब जहां से हमने स्टार्ट किया है यहां से एक हमको एक हुक बनाना है ऐसे और छत लगा देनी है, ये बन गया बड़ा ई। ये देखो, और हमें ये दोनों ब्लू लाइन के अंदर लिखना है और फिर छत लगा। देखो ये हाथ को पूरा घुमाना है, ई बनाया और ऐसे हुक लगा दिया और ये बन गया बड़ा ई। देखो इस तरह से, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको नोटबुक पे लिख के दिखाती हूँ बड़ा ई कैसे लिखना है। बच्चों अब हम बड़ी ई को नोटबुक में लिखेंगे और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आपको नोटबुक में कैसे लिखना है। सबसे पहले देखो आप, ये है बड़ी ई। बड़ी से क्या होता है, बड़ी से ईख। क्या है ये, ईख, जिसको गन्ना भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, याद है ना आपको, सबसे पहले हमको डेट लिखनी है आज की। आज है 6 जुलाई 2021। इस तरह से डेट लिखना बहुत जरूरी है। अब शुरू करते हैं हम बड़ी ई लिखना। तो बड़ी ई लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हमको छोटी ई बनाना है। सबसे पहले हमने ब्लू लाइन पे पेंसिल रखी, ऐसे छोटा सा वन बनाया, सी बनाया, उल्टा सी बनाया और इसकी ऐसे पूंछ निकाली। अब देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से हमको एक हुक बनाना है ऐसे और छत लगा देनी है। इस तरह से बन गया बड़ी ई।
फिर से देखो आप ऐसे और ऐसे हुक लगाया और फिर छत लगा दी। सबसे पहले छोटी बनाई ऐसे और अब हमने ऐसे हुक बना दिया और छत लगा दी। इस तरह से बड़ी ई लिखना है आपको। सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है, अच्छे से शार्प पेंसिल से वर्क करना है। देखो आप यूं, अब हमने छत लगाने से पहले हुक क्यों लगाया, ताकि हमको अच्छे से दिखे। और ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर सकते हो, पहले छत मत लगाना, पहले आप ऐसे हुक बनाना और फिर छत लगाना। देखो यूं, इस तरह से देखो फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए। ऐसे वर्क करना है। तो बच्चों इस तरह से आपको बड़ाई लिखना है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहले छोटा ही बनाया और उसके ऊपर हुक बनाया। अब ये जो हुक बनाना है उसको बस यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है, इस लाइन तक नहीं लाना है, वरना ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको वन पेज बड़ाई लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस वर्क। इन प्रैक्टिस अगेन टुडे वी आर गोइंग टू राइट कैपिटल M इन द इंग्लिश नोटबुक। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेट, सो यू हैव टू राइट टुडेज डेट। Today is 6th July 2021, like this. Now let's start writing M. Put your pencil on the red line. Make a standing line from red line to the second blue line. Leave some gap. Again, you have to make one more standing line. See children, you have to find a center point on the second blue line. So from here, you have to make a slanting line like this. And then one more slanting line like this. In this way, you have to write capital M. So, two standing lines and two slanting lines like this. In this way, you have to write capital M. See, it becomes very easy. Always write from top to bottom like this. Okay, I hope now you are able to understand like this. So it looks like two slides, isn't it? Chunnu comes from here and Munnu comes from here. Okay, they are sliding. In this way it becomes a fun. See, like this. I have finished the first line. In this way you have to write capital M. Children, now see, I'm on the last line and as you can see, in this way you have to write capital M like this. Okay, two standing lines and two slanting lines. See, like this. In this way, children, you have to complete one page of capital M in your English notebook along with the date. Write it, take its picture and send it to me. बच्चो आज बारी है एक नई कविता सीखने की आपकी बाल गीतांजलि बुक में से। तो आप जल्दी से ये बुक लेके आओ, फिर हम एक नई कविता सीखते हैं। और अब आपको इसका पेज नंबर 4 ओपन करना है। और जो नई कविता हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है चिड़िया। देखो ये है चिड़िया। अब ये चिड़िया क्या करती है? ची ची करती चिड़िया रानी। चिड़िया कैसे बोलती है, उसकी आवाज कैसे होती है? ची ची होती है। और चिड़िया सुबह सुबह जल्दी जग जाती है और वो अपना काम करती है। और वो क्या करती है देखो, ची ची करती चिड़िया रानी बड़े सवेरे आ जाती है। दादी के हाथों से दाना चुक कर फिर से उड़ जाती है।
बच्चों हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं जैसे आपके दादा दादी, वो क्या करते हैं, वो जानवरों को चिड़ियों को अनाज डालते हैं, है ना। जानवरों को रोटी खिलाते हैं और चिड़ियों को अनाज डालते हैं। ऐसे ही ये दादी जी हैं, ये क्या करती हैं, चिड़ियों को अपने हाथों से दाना खिलाती हैं। तो ये चिड़िया जो है ये आती है सुबह सुबह, जल्दी से आती है और दादी के हाथ से दाना चुपकर फुर से जल्दी से उड़ जाती है। तो ये है ये कविता जो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो हम चलो एक बार इसको बोलते हैं। ची ची करती चिड़िया रानी, बड़े सवेरे आ जाती है, दादी के हाथों से दाना चुककर फुर से उड़ जाती है। तो मुझे आशा है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्शन के साथ इस कविता को, इसका हम एक्शन करके हम इसको एक बार रिसाइट करते हैं। बच्चों अब बारी है नई कविता सीखने की। आज तक हमने हिंदी में 3 कविताएं सीखी हैं छुट्टियों से पहले, जो है चंदा मामा, हाथी और तिरंगा। मुझे आशा है आप सबको वो कविताएं याद होंगी। और आज जो हम नई कविता सीखेंगे उसका नाम है चिड़िया। चिड़िया रोज सुबह सुबह आती है और दादी के हाथों से दाना चुपकर उड़ जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो चलो अब हम एक्शन के साथ इस कविता को सीखते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है चिड़िया। ची ची करती चिड़िया रानी, बड़े सवेरे आ जाती है, दादी के हाथों से दाना चुपकर फुर से उड़ जाती है। एक बार फिर से बोलते हैं। ची ची करती चिड़िया रानी, बड़े सवेरे आ जाती है, दादी के हाथों से दाना चुपकर फुर से उड़ जाती है। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता एक्शन के साथ याद करनी है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।